नमस्कार। आज धनु राशि पर चर्चा करेंगे। धनु राशि पर इस समय कौन कौन सा ग्रह किस प्रकार से क्या फल दे रहा है तथा धनु राशि को इस समय किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी बातें चार पांच बात अपने मन में रखेंगे और उसके अनुसार आप अपने सेफ्टी रखें, जल्दबाजी ना करें किसी भी कार्य में। और बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी भाई बहन। तो आइए शुरू करते हैं। धनु राशि के लिए इस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता इसलिए है, इनके पैरों में कष्ट, नेत्रों में पीड़ा, अधिक खर्च, और इनका खर्च बिजली, मोबाइल तथा यात्राओं में तथा घरेलू डोमेस्टिक एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं उनमें होगा। झुंझलाहट से काम करना ठीक नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव होगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपको सेफ्टी देता है, आपको ताकत देता है, आपको पुष्ट करता है और तंदुरुस्त भी रखता है। साथ ही साथ जो 50-60 प्लस हैं उनके लिए अलग बात होगी और जो 50 से कम हैं उनके लिए स्थिति अलग होगी। वास्तव में इस समय जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए होंगे तो उनकी चंद्र मंगल राहु की महादशा चल रही होगी युवा अवस्था के दौरान। अभी राहु की दशा जिनकी चल रही है वो अभी स्थानांतरण, परिवर्तन, अशांति, तनाव से गुजर रहे हैं। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद, निर्माण कार्य, जमीन खरीदना है और मकान बनाना है, ये प्राथमिकता होगी क्योंकि धनु राशि वालों की जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उनकी जो दशा चल रही है इस समय वो उनको आगे बढ़ने के लिए है। अगर मंगल की दशा है तो जमीनों के काम, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा, संतान के प्रति आपके जो दायित्व हैं वो उनका पूरा करने में आप लगे रहेंगे। राहु की दशा मिक्स ऐसे फल देगी, आपको स्टेबल भी करेगी, आपकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ आएगा, लेकिन घरेलू समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी क्योंकि अगले 18 महीने तक राहु आपके केंद्र में चतुर्थ भाव में बना रहेगा। इसी के साथ इतनी पॉजिटिव बात अभी मैं बता रहा हूं, आपके पास इतनी समस्याएं आ जाएंगी लेकिन फिर भी आपका पराक्रम कम नहीं है क्योंकि आपका उत्साह डोलने वाला नहीं है। प्रारब्धेन खलु विघ्न भयेन नीचै, यानी के जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं वो जब काम शुरू करते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते, पूरा करते हैं। जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हतोत्साहित हो जाते हैं तो वो काम को शुरू करके विघ्नों के भय से बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आप उत्तम प्रकृति के लोग बने हुए हैं क्योंकि धनु राशि पर पराक्रम भाव में शनि है। चतुर्थ भाव समस्या तो देगा लेकिन शनि उस समस्या को अपने निकट आने नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार जैसे कि राम और रावण युद्ध में एक बाण शत्रु की तरफ से आया तो दूसरा राम जी या लक्ष्मण जी के बाण ने उसको बीच में ही धराशायी कर दिया, काट दिया, उस बाण को अपने तक नहीं पहुंचने दिया। ठीक इसी प्रकार आपका पराक्रम वाला जो शनि है वो आपके ऊपर आने वाली समस्याएं आ तो सकती हैं लेकिन बहुत देर तक ठहर नहीं सकती क्योंकि धनु राशि वाले ऐसे मन के, ऐसे विचारों के, ऐसे भावनात्मक रूप से इतने प्रबल मजबूत होते हैं कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंद स्थिर नहीं रहती, इसी प्रकार धनु राशि वालों की समस्या स्टेबल, स्थिर होकर के आपकी
पास नहीं रहेगी। समस्या आने के लिए नहीं आती, जाने के लिए आती है। तो बृहस्पति और शनि आपको इतना पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे कि राहु और मंगल सूर्य जैसे आपके द्वादश में बैठा है, सूर्य मंगल कष्ट देते हैं, लेकिन राहु चतुर्थ में आपके सुख में बाधा पहुंचाते हैं, नींद में कमी लाते हैं, शांति से बैठने नहीं देते, लेकिन कुछ ग्रह आपको मजबूती प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पराक्रम उत्साह वो इतना बढ़ा चढ़ा रहेगा कि आप उन समस्याओं को चुटकी में आराम से निपटा सकते हैं। केले के वृक्ष की जड़ बृहस्पतिवार को निकाल करके अपनी भुजा में, पॉकेट में, बटुए में, पर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको, क्योंकि धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, बृहस्पति अभी वक्री स्थिति में है, जैसे ही ये मार्गी होगा 1 जनवरी 2024 को, आपके चेहरे से ऐसी चमक, ऐसा फोकस, इतना तेज और आभा मंडल मजबूत होगा, आपके शरीर की जो कांति जो निर्मल हो गई है वो चमकती हुई नजर आएगी। आपके चेहरे से अच्छी कांतिमय आपका व्यक्तित्व होगा। तो बृहस्पति की वार के दिन जो जड़ है केले की, केले की जड़ की पूजा करें, केले के वृक्ष को जल दें और हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख रुपए का पुखराज आप धारण करोगे तो कोई फायदा नहीं। आप उसकी जड़ को अपने पास रखें, वही ऊर्जा 1.5 लाख रुपए की ऊर्जा देगा वो जड़ का छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा आप रखें। बृहस्पतिवार के दिन ग्रहण करें, उसको बुधवार के दिन निमंत्रण दें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का वृक्ष है कि मैं कल आपकी जड़ में से थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण करना चाहता हूं। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ग्रहण करें और हल्दी का तिलक लगाएं, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान रखें, तंत्र मंत्र यंत्र ढोंग ढकोसला जितने भी बातें हैं उनको सब भूल जाओ, इधर उधर मत जाओ। आपको साधारण सा उपाय बताया है, जो बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति मेरी ज्यादा चिंता और मेरा विचार उनके लिए ज्यादा है। उनसे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे देश के बच्चे इतने प्रतिभावान हो, गुणवान हो और धनवान हो, और इस देश की बागडोर भविष्य में उन्हीं के हाथ में होगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। इसीलिए उन बच्चों की उन्नति के लिए ये बात मैं बता रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।